नमस्कार। आज सुनिए महत्वपूर्ण कवि गीत चतुर्वेदी की एक दार्शनिक कविता, खालीपन का प्रतिबिंब। रास्ता हर कदम पर रुका होता है, सांस भी मुई कौन सा हर पल चलती है। मेरी देह पर रोम ज्यादा रहे, जेब में सिक्के कम। जन्म लेने के क्षण से ही मैं एक सुंदर स्त्री और एक मेहनतकश पुरुष का लगातार कर्जदार रहा। बदलो, थोड़ा और बदलो, बदल बदल कर एक रोज तुम ऐन अपने जैसे हो जाओगे। घोड़ा कभी ठीक घोड़े जैसा नहीं होता, मुर्गे में थोड़ी मछली हमेशा होती है। जैसे दीवार में थोड़ी सी छत होती है और रूप में थोड़ा सा भ्रम। भूख में होती है तपस्या, पानी में बहुत सारी अतृप्ति, उपकार में कई आरोप, व्याख्या में थोड़ी सी बदनीयति, करुणा में हमेशा एक निजी इतिहास होता है। इस चवन्नी का बोझ इतना है जितना सौर मंडल के सारे ग्रह। समय एक बोझ है, प्रयास, आधिपत्य, बीवी, बच्चे, आंखें, दिमाग, यह गोश्त, यह रक्त, पूरी यह देह। महासागरों में जितनी बूंदें, उनसे ज्यादा बहा है रक्त मेरा। आसमान में जितने सितारे, उनसे कहीं ज्यादा बार मैं आंखें गंवा चुका। मैं उस यूनानी दार्शनिक की तरह जिसने अपनी आंखें नोच के फेंक दी थीं, बस बाहर ही बाहर देखती हैं। आंख ही खुद आंख को कहां देख पाती। आमने सामने रखे दो आईनों के बीच खालीपन का प्रतिबिंब डोलता है। मेरे पास तुम्हारे विस्मृति की नागरिकता है और तुम्हारा ही दिया मंत्र कि अजनबी और पराया होना सुखद होता है, कि अजनबी और पराया होना सुखद होता है।